तो प्यारे बच्चों, आप लोग ने कुछ बच्चों ने कहा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई जो अननोन है उसको हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी, पहले मैं आप लोगों को एक दो प्रॉपर्टी समझाती हूँ कि वही प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें ये हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ जा रहा है, जैसे कि एक तो ये ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब इन 3 एंगल का, 1 2 3, इन 3 एंगल एंगल को जब जमा करेंगे तो कितना आते हैं, 180 डिग्री। ये है एक प्रॉपर्टी, यानी कि ए होगा तो बी होगा तो सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, एक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना है हमें। अब दूसरा और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आप लोगों को पता है, मैंने समझा दिया था, ये हमारा स्टर्ड एंगल है। अब ये स्टर्ड एंगल है, अब इस स्टर्ड एंगल पे 2 एंगल, जैसे कि ये है एक्यूट एंगल एंड ये ऑब्ट्यूज एंगल, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, यानी कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट लीनियर पेयर। इस तरह के जो दिख रहे हैं 2 एंगल को जब एक साथ में एक स्टर्ड एंगल पर ड्रा करके होगा, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये किसी तरह भी हो सकते हैं, जैसे कि देखो ये है हमारा एक्यूट एंगल, ये लीनियर पेयर कहेंगे इसको। ये जब हम इसको इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। अलग अलग तरीके से ये है, ये देखो जैसे कि 2 एंगल क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला क्या है, स्टर्ड एंगल पर जो 2 एंगल का सम है, ये है लीनियर पेयर। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। अब ये लीनियर पेयर में क्या होते हैं, 2 एंगल यानी कि स्टर्ड एंगल, आपको पता है ये स्टर्ड एंगल है, स्टर्ड एंगल कितना होते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री पर क्या क्या ड्रा हो गए हैं, 2 एंगल, यानी कि 2 एंगल ड्रा हो गए हैं, 2 एंगल, 1 एंड 2 एंगल है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, लीनियर पैर। ये आप लोगों को याद रखना है, लीनियर पैर किसको कहते हैं, ये आप लोगों को समझ आओगे। अब और तीसरा प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, ये जो दो दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये जो इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच वाले, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये एंगल 7 है तो क्या होना चाहिए, ये भी 7 होना चाहिए। अगर ये एंगल 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में ये फिर एक बार रिपीट करती हूँ आप लोगों को। पहले क्या करना है, ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स भी हमें पता नहीं है, वाई भी हमें पता नहीं है। सो हमें क्या करना है, पहले हम वाई निकालेंगे, किसकी मदद से, लीनियर पैर की मदद से। यानी कि ये क्या है, ये कौन सा एंगल हो रहा है, लीनियर पैर, यानी ये लीनियर पैर है। तो लीनियर पैर वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको पहले ये वाई निकालेंगे। अब वाई आप लोगों को पता है, वाई प्लस 1 1 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, यानी कि स्टर्ड एंगल, स्टर्ड एंगल पता है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब वाई इस इक्वेशन में चेंज हो गया, वाई इज इक्वल टू 180, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, माइनस, अब प्लस माइनस में चेंज हो रहा है, 110। वाई इज इक्वल टू 0 तो 0 0 एड में से तो 70 हो गया। हमारा क्या हुआ, एक आया वाई हमें निकल गया, अननोन वाई हमें निकल गया, ये कितना आया हमें, 70। अब हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज़ करना है, वो वाला प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी हमें क्या है, एक्स है एक तो हमारे पास, एंड एक तो 50 है हमारे पास डिग्री, एंड प्लस 70 डिग्री है हमारे पास।
वाई हमें कितना आया 70 डिग्री। ये किसके बराबर होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी भी लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या हमने यूज़ किया, लीनियर पेयर हम कहते हैं। अब हमने ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। अब एक्स हमें पता नहीं है, रख दे इसे 7/5 प्लस करें तो कितना आया 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स को ऐसे रखो ये और इक्वेशन में चेंज हो रहा है तो 180 माइनस 120, एक्स इज इक्वल टू 0 तो 0 0 ऐड में से 2 निकालो तो 6, इसका मतलब कितना आ रहा है हमें 60 डिग्री। यानी कि हमारा थर्ड जो एंगल है कितना आया, एक्स अननोन हमें क्या है ये 60 डिग्री। सेम आप लोगों को दूसरा करना है, कौन सा वाला दूसरा आप लोगों को, इस तरह वाला है, इस तरह का एक डायग्राम शायद। तो पहले अगर ये अगर दिया हुआ है, जैसे कि ये 80 दिया हुआ है तो ये भी हमें, अगर ये 80 दिया हुआ है तो हमें ये भी 80 देना है, बाकी ये दिया हुआ है तो हमें ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने और वर्टिकली अपोजिट वाला हमें यूज़ करना है। तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, समझ आया कि नहीं।